नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जावेद अंसारी आपके साथ इस समय मौजूद हैं मऊगंज में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप पटेल जी मौजूद हैं। आप अभी यहां पर थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करके गए। हमारे साथ प्रदीप मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको मुख्यमंत्री सभा के बाद, आपकी स्थिति यहाँ पर किस तरीके का माहौल? आप खुद देख रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दूर दूर कारी का जड़गुड़ तक से लोग बाग आए हैं यहाँ, और भारी उत्साह मुख्यमंत्री जी की बात सुनने को, मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए इतने अपार भीड़ यहाँ रही है। और जो उन्होंने जनता से सुझाव मांगे थे, वो सुझाव उनके सामने जैसे ही आए, उस सुझाव को उन्होंने बोला कि हम इस सारे सुझाव पर, जनता के सुझाव को स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में हम इसको पूरा करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने बोला कि एक महीने के अंदर हम फिर से यहाँ पर आएंगे सरकार बनने के बाद। तो इतनी बड़ी बात, जनता के प्रति उनका समर्थन और उनका जनता के प्रति उनका। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि एक महीने बाद, चुनाव के बाद मैं मऊगंज दोबारा आऊंगा। जनता की ऐसी कौन सी मांग आपने रखी जो अगले महीने पूरी होने वाली है? जनता की जो मांग, जितनी मांगे जनता के सुझाव में आई, यहाँ सुझाव पेटी में रखी, वो सारी सुझाव पेटी की सारी मांगे महत्वपूर्ण यहाँ रखें, और उस सुझाव पेटी की सारी जानकारी सीएम साहब को दी। उसको एक स्वर में उन्होंने बोला कि हम ये सारी चीज़ें सरकार बनने के बाद स्वीकार करेंगे, एक महीने बाद मैं पुनः यहाँ पर आऊँगा, ये उन्होंने वादा किया, उसके बाद आएंगे। ये थे हमारे साथ प्रदीप पटेल जी, मऊगंज से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपने जनता की कुछ मांगे वहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने रखी, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है, उनका विधायक यहाँ से जीतता है, तो एक महीने के अंदर उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। रीवा दर्शन के मैं जावेद अंसारी।